भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोग सोच रहे होंगे ये कोपा क्या है, और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी इसके ऊपर। व्हाट इज कोपा? बेसिकली इट इज, इसकी फुल फॉर्म देखें तो चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रोटेक्शन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, जो यहाँ भी इंडिया में जो है जारी किया जा रहा है। जो ये ऑनलाइन बच्चे देखते हैं वीडियोस, इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन में कुछ और वीडियोस भी आ जाती हैं। कई बार क्या होता है बच्चे उसको भी जो है क्लिक कर लेते हैं, तो जो ये बच्चों के चैनल है ना, इनको पूरे तरीके से इनकी सीरीज जो है वो अकेले अलग रखी जा रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज का है। जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, अगर बच्चा जो है एडवर्टाइजमेंट देखता है जो बीच में आ जाती हैं, कोई भी बॉक्सिंग का चैनल है या कोई स्टोरी से रिलेटेड है, परियों की कहानी है, जिसमें लोग बच्चे देखते हैं जिन चैनल्स को, तो बच्चों को जो है ना चिल्ड्रंस को कोई लेना देना नहीं है इससे, उस एडवर्टाइजमेंट से। कोई डैंड्रफ का आ रहा है, कोई लैक्मे का आ रहा है, या फिर किसी सेलिब्रिटी का, बच्चों को इस चीज़ से लेना देना नहीं है। उनका माइंड जो है ना उसी गेम में है, उसी स्टोरी में है। तो उस एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो शो कर रही है अपना एडवर्टाइज उस जगह पे, तो उस चीज़ का उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अब जो है इससे ना इफेक्ट पड़ेगा किसको, जिनके चिल्ड्रन से रिलेटेड जो चैनल्स हैं उनके रेवेन्यू पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, अब क्या होगा, अभी तक उनका ज़्यादा रेवेन्यू, जो ज़्यादा प्रचलित है यानी कि जो ज़्यादा फेमस है चैनल, उनका जो है रेवेन्यू पहले ज़्यादा आया करता था, लेकिन अब क्या होगा, अब थोड़ा कम आया करेगा, क्योंकि अब जो एडवर्टाइजमेंट उस पर शो होंगे वो चिल्ड्रंस यानी किड्स से रिलेटेड ही उस पर जो है एड्स अब जो है अब उसमें शामिल किए जाएंगे, उस पर आएंगे, बाकी जो है उस पर उस टाइप के एडवर्टाइज नहीं शो होंगे। तो इसमें आपको जो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा कोपा की तरफ से, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वो भी आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये जो है 10 दिसंबर से ये चीज़ लागू होने वाली है, यानी कि जो नया साल लग रहा है 2020, इससे ये चीज़ लागू हो जाएगी। और इसमें आपको आपको दो चीज़ें शो करनी है, अगर आपका जो चैनल है मेड फॉर चाइल्ड्स है, अगर बच्चों के लिए बना हुआ है, बच्चों से रिलेटेड उसमें कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी शामिल है, तो आप जो है अगर आपकी सारी वीडियोस बच्चों से रिलेटेड है तो आप उसमें राइट का क्लिक करेंगे, अगर आपका चैनल बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो आप उसमें रॉन्ग का जो है उसमें चयन करेंगे। और अगर आपका सपोज 50-50% है या कुछ भी 25-75% रेशियो है, तो आपको क्या करना है कि कुछ वीडियो आपकी 4-5 वीडियो बच्चों से रिलेटेड डाली हुई है, बाकी आपने एजुकेशन टेक्निकल एक्स वाई जेड कुछ भी डाली हुई है, तो उसमें आपको ना जो वीडियो आपने एक्शन में जाके वो वीडियो आपने चूज़ करनी है, और उन पर जो है आपको चाइल्ड प्राइवेसी प्रोटेक्ट एक्ट जो है आपको लागू करना है, उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जो है अपने अपने चैनल को सेव कर देंगे, और इसी तरीके से बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोई खतरनाक डेंजरस अपडेट नहीं है। आप इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं खुद, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा हो, हिट द लाइक बटन, subscribe this channel and press bell icon, don't forget it, you will get all notification regarding YouTube. Thanks for watching my video, thank you very much.